केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान रायपुर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने बताया है कि उनके दौरे का मकसद कृषि कानून पर बात करना है। कृषि कानून पर मंत्री ने कहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बता दे कि किसान किस कानून का विरोध कर रहा है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। साथ ही दुष्कर्म की घटनाओं पर राजनीति नहीं होने की बात भी उन्होंने कही है। इन तमाम बातों को लेकर स्वराज संवाददाता सुप्रिया पांडे ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका छत्तीसगढ़ में स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 22 महीने हो गए। देखिए, कार्यकाल की जहां तक बात करूंगा, जो स्थानीय नेता है वो बताए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठ कर छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यकाल का मूल्यांकन नहीं कर सकता। आज मेरे आने का मकसद एक आप लोगों से ही बात करना है और कृषि बिल जो 3 आए हैं उनके ऊपर बात करना है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कृषि कानून का विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा, आज मैं है ही हूँ, अगर कोई विरोध है मेरे से बात करना चाहते हैं तर्क के आधार पर, परसेप्शन के आधार पर, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये किसानों के हित में बिल है, यही बात बतानी है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा मिल जाए जो बता दे किसान विरोध का क्या है तो मैं स्वीकार करूंगा। छत्तीसगढ़ में हाथरस की घटना पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुद भी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो इन घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी, हाथरस की घटना में तुरंत कार्रवाई हुई है और अब CBI जांच चल रही है लगातार, और स्पष्ट मत है वहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी सबका कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो और निर्दोष कोई फंसे ना, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं वहाँ लगातार सामने आई उसमें राजनीतिकरण ज्यादा हुआ है। मैं यहाँ की घटनाओं पर राजनीति नहीं करना चाहता है। दुष्कर्म की घटनाएं कहीं भी हों निंदनीय है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने कहा कि दुष्कर्म की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और बात गुना